मैं राजा और आप देख रहे हैं MNTV। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने मूलवासी बहुजन समाज के तमाम मुद्दों को लेकर 30 अक्टूबर 2024 को भारत बंद किया। भारत बंद का असर लगभग देश के सभी राज्यों में देखने को मिला, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिला। इसका अंदाजा इसी बात से है लगाया जा सकता है कि जहां कुछ राज्यों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हुआ, तो वहीं कुछ राज्यों में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार के बेगूसराय में 11 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 31 को जाम किया था, जिससे आने जाने वाले वाहनों में चक्का जाम हो गए। इसकी सूचना मिलते ही पूरे दल बल के साथ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां खदेड़ने लगी। इसी बात को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। काफी समय तक धक्का मुक्की होती रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया, उनके झंडे बैनर फाड़ दिए और उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बड़ी कश्मकश के बाद जाम हटाया गया। हालांकि शाम तक सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया। DSP सुबोध कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ बगैर सूचना दिए नेशनल हाईवे 31 जाम कर दिए और बल का प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मी पर हमला किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हम लोग जाति आधारित गिनती और EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने सहित तमाम मुद्दों को लेकर भारत बंद किया है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, मगर फिर भी पुलिस दल ने लाठी चार्ज कर दिया। कई राज्यों में भारत बंद का असर इस कदर दिखाई दिया कि सबसे सड़कें सूनी और यातायात सारे साधन बंद थे। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जनगणना में OBC की जातीय जनगणना को शामिल किए जाए, ऐसा केंद्र सरकार से मांग की। बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी। आंदोलन के पहले चरण में 13 अगस्त 2024 को 31 राज्यों के सभी जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। वहीं दूसरे चरण में 30 अगस्त 2024 देश भर के सभी जिले मुख्यालयों पर एक साथ धरना प्रदर्शन किया गया, जबकि तीसरे चरण 8 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया गया और चौथे चरण में 30 अक्टूबर 2024 को भारत बंद